हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित और मैथ क्लासेस में। आज हम लोग निकालेंगे खेत का, मापेंगे यानी कि खेत बांटते हैं उसका काम करेंगे, निकालेंगे। तो हमारा खेत मापने का दो तरीका है, यानी कि दो तरीका है। एक पहला तरीका है जिसे जो बहुत ही हल्का है, और दूसरा तरीका है वो थोड़ा आगे का है। तो चलिए पहले हम लोग पहला तरीका सीख लेते हैं, खेत का नाप यानी कि नापने का, अमीन का जो काम होता है नापने का, उसी नाप को हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए हमारा खेत इस प्रकार है, तरीका हम लोग पहले सीख लेते हैं। पहला तरीका में हम लोग इस प्रकार आमने सामने को जोड़कर और उसे दो से भाग दे देंगे, तो हमारा पहला तरीका इसी प्रकार आंसर निकल जाएगा। लेकिन पहला तरीका हमारा सही प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। चलिए पहला तरीका पहले सीख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे तरीका पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे पहला तरीका सीखेंगे। पहला तरीका में हम लोग पहले लिखेंगे चतुर्भुज। ये हमारा चतुर्भुज है, चार कोण वाला चतुर्भुज। चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर खेत का क्षेत्र यानी कि खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल तो हम क्या बोले कि आमने सामने भुजा को जोड़कर और उसे गुना कर दो से भाग दे देंगे, तो हमारा खेत का माप निकल जाएगा, कितना स्क्वायर फीट है, कितना है सारी निकल जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे 40 और 45, ये आमने सामने है तो 40 और 45 को पहले जोड़ेंगे। 40 प्लस 45 और दो से भाग दे देंगे, उसके बाद बीच में गुना का चिन्ह देंगे और 30 और 43, 30 प्लस 43 होता में दो। 40 और 45 और 30 और 43 आमने सामने के भुजा को लिखते हुए उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 80, 40 और 45 हमारा हो जाएगा 85, और बता में दो गुने 30 और 43, 3 के 3 और 4 3 7, 73 बता में दो, यह हो गया। तो 85 का हमारा दो से भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 42.5, 42.5 गुने 73 में करेंगे तो 36.5, और इसको गुना कर कीजिएगा, कैलकुलेटर कीजिएगा तो आएगा 1551। मोबाइल से आप करके लिख सकते हैं 1551 यानी कि 0.25 स्क्वायर फीट। ये तो हमारा पहला का बन गया, इतना ही आएगा 1551.25 यानी कि 1551.25, इतना आंसर आ गया हमारा। जितना खेत है यानी कि लंबाई चौड़ाई कितना आ गया 1551.25 स्क्वायर फीट। तो चलिए पहला तरीका तो सीख लिए, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। यह हमारा दूसरा तरीका से हम लोग सीखेंगे, पहले तरीका तो सीख लिए, अब दूसरा तरीका में सीखेंगे कि अगर दूसरा तरीका में हम लोग सीखेंगे कि डी और बी यानी कि इसे हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, ए बी डी यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यानी कि इसको आधा आधा करेंगे, यानी कि डी बिंदु से लेकर और बी बिंदु तक मिलाएंगे, एक चिन्ह खींचेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 यानी कि 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज। तो ये दोनों का त्रिभुज निकालने से पहले हम लोग इस बीच का लंबाई कितना है उसके निकालेंगे। उससे पहले लंबाई हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा इस खेत की लंबाई निकल जाएगी दूसरे तरीका में। तो चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं इनके लंबाई। तो पहले लिखेंगे ए बी डी यानी कि त्रिभुज बराबर ए बी डी समकोण त्रिभुज, ए बी डी समकोण त्रिभुज
एबीडी समकोण त्रिभुज हमारा कितना है, ए बी डी समकोण त्रिभुज, ये हमारा पहला है। तो पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें ए बी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर बी डी, यानी कि हमको क्या निकालना है, बी डी स्क्वायर क्या निकालना है, बी और डी यानी कि बी डी निकालना है। तो बी डी स्क्वायर तुम्हारा ए और बी कित ए और डी कितना है, ए बी और ए डी, ए बी कितना है हमारा 40 फीट, 40 का स्क्वायर प्लस ए डी, ए डी कितना है तो 30 फीट, 30 का स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900 बराबर बी डी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2500 बराबर बी डी स्क्वायर। इस बी डी स्क्वायर को हम लोग बी डी इधर लिख कर और इसे रूट अंदर 2500 लिख सकते हैं। तो बी डी हमारा कितना आ गया 50 फीट, बी डी हमारा कितना आ गया 50 फीट। तो ये हमारा कितना है 50 फीट। अब हम लोग दो त्रिभुज निकाल सकते हैं, यानी कि एक हमारा ये त्रिभुज हो गया ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला, ये त्रिभुज हो गया हमारा, दो त्रिभुज हो गया। तो चलिए पहले हम लोग पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे उसको, तो हमारा ये पूरे खेत की माप निकल जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग त्रिभुज ए बी डी पहले निकालेंगे, उसके बाद ए बी डी, ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद बी डी सी का त्रिभुज निकालेंगे। तो पहले हम लोग नीचे वाले का त्रिभुज को ज्ञात कर लेते हैं, त्रिभुज का कितना मान आएगा उसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, ए बी डी का क्षेत्रफल। तो हम लोग इसमें एस का प्रयोग करेंगे, यानी कि अर्थ परिमिति एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है और दो से भाग, यानी कि ए बी डी तीनों को जोड़कर और दो से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा। उसके बाद तो लिखेंगे ए कितना है हमारा, ए कितना है हमारा, तो 30 फीट, 40 फीट और 50 फीट, 30 प्लस 40 प्लस 50 बता में 2 कितना हो गया 90 और 120, 120 बता में 2 मैं कितना आ गया 7 फीट, 7 फीट आ गया। उसके बाद 7 फीट आने के बाद ये हमारा, उसके बाद ये 7 आ गया, तो 7 में से अगर 30 को घटाएंगे, 7 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30, फिर 7 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा 20, फिर 7 में से 50 को कितना घटाएंगे तो कितना आएगा तो 10, यानी कि जो हमारे एस है उसमें से पहले 30 घटा कर लिखेंगे, उसके बाद 40 घटा कर लिखेंगे, यानी कि उसके बाद सी यानी कि 50 घटा कर लिखेंगे, उसके बाद इसे रूट के अंदर रूट अंदर करके बना देंगे। तो हमारा इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 1 36 और 1 2 3 4 0 4 0 36000 आ गया। तो हमारा रूट हट कर, रूट अंदर से हट कर आ जाएगा 600 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट आ गया हमारा पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, 600 स्क्वायर फीट आ गया। इस तरह फिर दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि बी डी सी का त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आगे देखिए बी डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, उसको में भी इसी तरह बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा चेंज रहेगा, ये हमारा जैसे इसमें ए प्लस बी प्लस सी बता में 2 किए हैं उस प्रकार इसमें भी करेंगे। तो चल तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी बता में 2। तो दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बी डी सी, बी डी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बता में 2। तो हमारा बी कितना है, बी है हमारा 50 प्लस 45 प्लस 43 बता में 2। उसके बाद 50 इन तीनों को जोड़ देंगे हमारे 138 बता में 2 आ जाएगा। उसके बाद
138 को घटाइएगा यानी कि 2 से भाग दीजिएगा तो 69 आ जाएगा, 69 फीट। ये आ गया 69 फीट। तो इसको भी उसी प्रकार 69 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 69 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा 19, 69 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा 24, 69 में से 43 को घटाएंगे तो कितना आएगा 26। ओके, इसको भी उसी प्रकार रूट अंदर कर देंगे। आप लोग इसे कैलकुलेटर से भी बना सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 81, 80 और 64। रूट अंदर 81, 80, 64 इसको स्क्वायर कीजिएगा तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 904.  ये दशमलव में आएगा 46.89 स्क्वायर फीट। ये हमारा दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि पहला का हमारा कितना आया था 600 स्क्वायर फीट और दूसरा का 904.4689 यानी कि 46.89 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए इन दोनों को त्रिभुज के जोड़ देंगे, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर ए बी डी त्रिभुज ए बी डी प्लस बी डी सी, ए बी सी डी कितना आया है, ए बी डी सी हमारा 600 आया है प्लस बी डी सी कितना आया है, बी डी आया है 904.4689। तो मैं 46.89 तो अलग ही रहेगा क्योंकि दशमलव में 46.89 इसे अलग ही रखते हैं। उसके बाद 4 और 0 का 0 9 6 15 1504.4689 स्क्वायर फीट आ गया हमारा आंसर। दूसरा त्रिक में हमारा आंसर आया 1504 और पहला त्रिक में आया था 1551 करके आया था। पहला में हम लोग हमारा आया था 1551 यानी कि 1551.25 स्क्वायर फीट। पहला में त्रिक में हमारा पहला तरीका में आया था 15 पहला तरीका में और दूसरा तरीका में आया था 1504.4689। इसमें यानी कि कितना का फर्क है आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर हमारा दूसरा त्रिक ही सही होता है, पहला त्रिक का यूज ना करें और दूसरा त्रिक का यूज कर सकते हैं, इसे यह 100% सही होगा दूसरा त्रिक। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं।